पेपर में ही आएगा कि डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू वायर्स एंड ऑल्सो डिफाइन फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. तो आपने क्या करना है, आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला लिखना है. आपने बोलना है कि अगर करंट 1 एम्पियर है दोनों वायर्स में और डिस्टेंस दोनों वायर्स में 1 मीटर है, तो इनमें फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर. तो आप क्या बोलेंगे कि अगर किन्हीं भी दो वायर्स में, पैरेलल वायर्स में, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, या तो वो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, जो भी करेंगे डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, तो उसमें जो करंट होगा वो हमेशा 1 एम्पियर होगा. उस करंट को 1 एम्पियर करंट बोला जाता है. ये डेफिनेशन है फंडामेंटली कैसे डिफाइन करना है 1 एम्पियर को. तो आपने मैथमेटिकली प्रूव करना है, राइट?